हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन सा गैंग लीडर है जो कि इस बार रोडीज का टाइटल जीत सकता है। अभी तक आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि तीनों के तीनों गैंग लीडर्स अपने अपने एक एक कंटेस्टेंट के साथ में फिनाले में जाएंगे। मतलब हमें इस बार तीन कंटेस्टेंट्स फिनाले में देखने को मिलेंगे। वो कौन कौन हो सकते हैं मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वाली वीडियो में, अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो जाकर देख लेना। एंड काफ़ी सारे लोग जानना चाहते थे कि क्या जो गैंग है वो चेंज होंगी, मतलब कंटेस्टेंट्स इधर उधर होंगे, तो यस काफ़ी सारे चेंजेस हमें बाद में जर्नी पे देखने को मिलेंगे। एक एक दो दो कंटेस्टेंट हर गैंग में से इधर उधर हो जाएंगे। इस बार जो गैंग लीडर जीत सकता है ना वो है रिया। रिया काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट खेल रही हैं। पहले उन्होंने प्रिंस के साथ में अलायंस बना के गौतम के गैंग से कंटेस्टेंट्स हटाए, एंड नाउ अभी उन्होंने गौतम के साथ में अलायंस बना लिया एंड बैक टू बैक प्रिंस के गैंग से कंटेस्टेंट्स एलिमिनेट होंगे। पर जो रिया के गैंग के कंटेस्टेंट्स हैं ना वो काफ़ी आगे तक जाने वाले हैं। कभी इंटरनल वोटिंग होती है या फिर जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है, तभी वो रिया के गैंग में से किसी को एलिमिनेट करेंगे। एंड रिया की गैंग में अभी करेंटली जो कंटेस्टेंट्स हैं ना, हो सकता है उनमें से कोई भी फिनाले में नहीं जाए। जो कंटेस्टेंट्स बाद में उनकी गैंग में आएंगे ना वो जाएगा कोई फिनाले में। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप किस गैंग लीडर को जीतते हुए देखना चाहते हैं। एंड फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू रोडीज यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।